हेलो भाई, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBR न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि रह सकें अपडेट हर एक मेरी आने वाली वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क BSNL MTNL की हार। दूर संचार विभाग DOT राज्य के वित्त पोषित संपर्क कार्यक्रमों में डेटा नेटवर्क यानी कि चौथी पीढ़ी 4G तकनीक को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि BSNL जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने टावर लगाने की योजना बना रहा है जो सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकॉम को प्रभावित कर सकता है। जो क्षेत्रों में अन्य टावर लगे हुए हैं उन पर अपना प्रभाव डाल सकता है। और विशेषज्ञों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र हतोत्साहित हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली की न्यूज़। दूरसंचार विभाग डॉट राज्य के वित्त पोषित संपर्क कार्यक्रमों में डेटा नेटवर्क यानी कि चौथी पीढ़ी 4G की तकनीकी को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीस्कोपों को प्रभावित कर सकता है और विशेषज्ञों के अनुसार इसमें छूट हो सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र। विभाग के सूत्रों का कहना है कि एक आंतरिक समिति ने यूनिवर्सल सर्विस पब्लिकेशंस USU फंडेड प्रोजेक्ट में 4G तकनीक के इस्तेमाल की सिफारिशों की, जबकि इस तरह के कदम के गंभीर निहितार्थों को देखते हुए शीर्ष अधिकारियों द्वारा विचारों का समर्थन किया जाना बाकी है। सूत्रों का यानी कि विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि एक आंतरिक समिति यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस USO फंडेड प्रोजेक्ट 4G तकनीक के इस्तेमाल की सिफारिशों की, जबकि इस तरह के कदम के गंभीर निहितार्थों को देखते हुए शीर्ष अधिकारियों द्वारा विचारों का समर्थन किया जाना बाकी है। विभाग का कहना है कि BSNL में कर रहे कार्य को कर्मचारियों द्वारा एक बैठक की जाए, उसमें समर्थन किया जाए, सलाह की जाए कि किस तरह से टावरों को चलाया जाएगा। USO डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए 52,000 करोड़ रुपए का मजबूत रिजर्व है, जबकि लगभग 30,000 दूर दराज के गांव में अभी भी मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी है। दोस्तों, विभाग का कहना है कि 52,000 करोड़ रुपए का मजबूत रिजर्व है, जबकि 30,000 के दूर दूर गांव हैं उनमें कनेक्टिविटी की कमी है, वहां पर कनेक्टिविटी की दिक्कत है, लोगों को परेशानी है, इसलिए गांव क्षेत्र में देहात में भी टावर लगवाए जाएं। एक दूरसंचार विश्लेषक ने कहा है, अगली पीढ़ी की सेवाओं के अभाव में दूर राज्य नियंत्रित टेलीकॉम राज्य वित्त पोषित कनेक्टिविटी कार्यक्रमों को खोने के लिए तैयार हैं, जो कि सुरक्षा जोखिम वाले क्षेत्रों में भी है अगर दूरसंचार विभाग ऐसा कोई आदेश देता है। कहा जाना चाहते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL की पुनरुद्धार की रणनीति, जैसा कि पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट द्वारा परिकलित किया गया था, वर्तमान में 4G एयरवेज की व्यावसायिक लॉन्चिंग की कुंजी के रूप में लागू की जा रही है। गिरते राजस्व के बारे में, अगली पीढ़ी के उपकरणों की खरीद के लिए BSNL के हालात ही में रद्द किए जाने के बाद राज्य द्वारा संचालित टेल को 2021 तक उच्च गति डेटा सेवाओं को लॉन्च करने में सक्षम नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि BSNL के कर्मचारियों का कहना है कि अभी से BSNL की स्थिति इसी तरह बिगड़ी रही या नहीं सुधरी तो यह अपने समय समय पर डेटा भी लॉन्च नहीं कर पाएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेड कॉरिडोर या नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दूर दराज के क्षेत्रों में सरकार द्वारा वित्त
पोषित मोबाइल कनेक्टिविटी पहलों के एक हिस्से के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ओवर द टॉप ऐप्स के उपयोग और इन विनियोग का उपयोग कर सकते हैं। अत्यधिक एनक्रिप्टेड संदेश जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। सुरक्षा के अलावा इन दूरदराज के गांव में जहां लोग स्मार्टफोन नहीं रखते वहां सामर्थ्य के मुद्दे हैं और खुले गांव में 2G+4G साइट होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि यह गांव में यानी कि शहरों से दूर रहने वाली बस्ती के लिए जहां पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं यूज किए जाते हैं कि पैड फ़ोन चलाए जाते हैं या दोनों तरह के फ़ोन चलाए जाते हैं उनके लिए 2G+4G दोनों तरह की साइटों का होना अति आवश्यक है। जबकि BSNL के पास इस तरह की पहल में USOF बैंकिंग होनी चाहिए। आर के भ्रष्टाचार आर के भटनागर एक पूर्व DOT सलाहकार ने ET टेलीकॉम को बताया है। DOT ने 2006-07 से 2018-19 के लिए अनंत मांग नोटिस वापस ले लिए। पावर ग्रिड कॉर्पो AGR बकाया के कुछ अग्रिम भुगतान और किस्तों में आराम के लिए DOT एयरटेल वोडाफोन आइडिया को आगे बढ़ा रहा है। हाल ही में गृह मंत्रालय MHA ने अर्धसैनिक बलों को लद्दाख में भारत चीन गतिरोध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बढ़ाए गए उपायों के मद्देनज़र अपने कर्मियों द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप के उपयोग को रोकने के लिए कहा। शुद्ध 4G के बजाय भटनागर के अनुसार विभाग आपातकालीन परिदृश्यों में 4G नेटवर्क को बंद करने के विकल्प के साथ 2G+4G का पता लगा सकता है। भटनागर के अनुसार महानगरों में भी ग्राहकों के पास 2G नेटवर्क पर वापस आने का एक विकल्प है। डेटा कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति जबकि फाइबर आधारित नेटवर्क के साथ मिलकर 4G सेवाओं को महानगरों और बड़े शहरों में अपनाया जा रहा है। 2G आधारित वॉइस टेलीफोन भटनागर के अनुसार अभी भी असंबद्ध गांव के लिए बहुत व्यवहार्य है, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में और कठिन इलाके के कारण फाइबर आधारित नेटवर्क के रोल आउट को हतोत्साहित करना। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए 4G सेवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। मैं बता दूं दोस्तों आपको, जम्मू कश्मीर के लोगों ने 4G यानी कि BSNL 4G के लिए खतरनाक बताते हुए 4G टावर को लगवाने से इनकार कर दिया, रोक लगा दी कि हमारे यहाँ 4G टावर नहीं लगेंगे। कि आतंकवादियों द्वारा सैनिकों के आंदोलन पर नज़र रखने और हिंसा भड़काने के लिए मोबाइल नेटवर्क का दुरुपयोग किया जाता है। वहां के लोगों का कहना है कि नेटवर्क को द्वारा सैनिकों को और आम आदमी को फोनों के द्वारा भड़काने के क्या कार्य किया जाता है। 2016 उद्योग के लिए एक अमित वर्ष था क्योंकि इस निम्न के सम्मानी के नेतृत्व में जियो के क्षेत्र में कदम रखा, जिसके कारण उद्योग राजस्व पुराने खिलाड़ियों यानी कि पुराने अन्य कंपनियों के रूप में नीचे की ओर सर्पिल में घट रहा। तत्कालीन उत्कर्ष उद्योग 2019 के साथ मुट्ठीभर खिलाड़ियों तथा अन्य कंपनियों तक सीमित हो गया, जो इस क्षेत्र के लिए नए चुनौतीपूर्ण मोर्चे खोल रहा है। यह कई महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण सुर्खियों में बना रहा। चलो 2019 में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में क्या रखा गया। 2019 का मुख्य आकर्षक AGR को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स और DOT के बीच 15 साल से अधिक समय से गतिरोध चल रहा था। अंत में शीर्ष अदालत ने अक्टूबर में दूरसंचार कंपनियों को 15 वर्ष की अवधि के दौरान जमा किए गए अपनी ओवरड्यूज का भुगतान करने के लिए बाध्य किया, जिसके दौरान मामला बड़ा था क्योंकि इसमें DOT की मांग को सही ठहराया था कि ऑपरेटरों ने गैर दूरसंचार सेवा राजस्व को अपने
समायोजित सकल राजस्व में शामिल किया है, जैसे कि एक हिस्सा लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में सरकार द्वारा टेलीस्कोप द्वारा भुगतान किया जाता है। कुल राशि जो कि प्रिंसिपल पेनल्टी और ब्याज पर जुर्माने के रूप में बताई गई है, ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की तरह से लगभग 79,000 करोड़ रुपए के साथ 1.4 लाख करोड़ रुपए की भारी कमाई की, और उन्होंने सबसे ज़्यादा बीएसएनएल को पीड़ित बनाया। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि रह सकें अपडेट हर एक न्यूज से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।